अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टच फ्रॉम के साथ मैं हफ्जुल यूबी। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है प्रपोज्ड अमेंडमेंट इनकम टैक्स आर्डिनेंस 2001 फॉर सिंप्लीकेशन एंड हार्मोनाइजेशन थ्रू फिनांस बिल 2024। इस बिल को लाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, हुकूमत क्या करना चाहती है, क्योंकि बजट की आमद आमद है, बजट आने वाला है, उससे पहले ये बिल आ चुका है, क्या यही बजट में अप्रूव होगा। ज़राए जो हमें बता रहे हैं वो कह रहे हैं ये असेंबली से पास हो चुका है। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद आसफ राणा साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, साबक इसी मेंबर हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के, और मुझे ज्वाइन करेंगे उमर बाजवा साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। सबसे पहले मैं उमर बाजवा साहब की तरफ जाना चाहूँगा। उमर बाजवा साहब, ये बताइएगा बजट की आमद आमद है और बजट को बेहतर बनाने के लिए आपके पास क्या तजावीज़ हैं? सर, सबसे पहले ये बताने की ज़रूरत है कि बजट है क्या। सर, इसमें यह है कि आपका जो एक किस्म का पूरे साल का फाइनेंशियल प्लान होता है, बजट जो है जस्ट लाइक ए फाइनेंशियल प्लान। आपने पूरे साल के अपने इनकम, अपने अखराजात, अपने जो है उसमें एक्सपेंडिचर्स वो किस तरह से होंगे, इनकम कहाँ से आएगी, अखराजात कैसे होंगे, वो सारे का सारा एक प्लान होता है जिसको हम बजट बोलते हैं। अच्छा सर, उसमें आपकी मोटी मोटी बातें उसके समझ लें, मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं आपने उस पर असल टॉपिक पे आऊँगा कि इसमें सर बजट में एक रेवेन्यू प्रोजेक्शन होती है कि पूरे साल का जो आपका रेवेन्यू प्रोजेक्शन है वो किस तरह से होगा, किस तरह से हमने रेवेन्यू को लेके चलना है, और फिर हमने पूरे साल के अखराजात को किस तरह से लेके चलना है। रेवेन्यू से अगर मिसाल है तो रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या होता है, टैक्सेस होते हैं, इनकम टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, टैरिफ्स हो गए, ड्यूटीज़ होगी, कस्टम ड्यूटीज़ होगी, ये सारा का सारा गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। अब वो गवर्नमेंट जो है वो पूरे साल का हदफ लेती है कि जनाब पूरे साल में हमने इसकी ये हमारा रेवेन्यू होगा, एक्सपेक्टेड जो प्रपोजल होता है एक्सपेक्टेड हमारा ये रेवेन्यू होगा, और उसकी बेसिस पे एक्सपेक्टेड रेवेन्यू के बेसिस पे फिर उसकी प्रोजेक्शन बनाते हैं कि जनाब इतने हमारे अखराजात होंगे। अब इतने अखराजात को पूरे के पूरे साल को जो है वो डिवाइड करते हैं, ठीक है, फिर उसमें प्रायोरिटाइज करते हैं कि यार हमारे पास इन्हें रेवेन्यू तो आ गया है, तो हमने कौन कौन से सेक्टर को जो है वो हमने उसको जो है वो प्रोजेक्शन बनानी है और किस किस को एलोकेशन करनी है। क्योंकि जब रेवेन्यू आ जाता है फिर आपने सेक्टर्स को एलोकेशन करनी होती है कि इस सेक्टर को देना है, लाइक हेल्थ हो गया, लाइक एजुकेशन हो गया, लाइक इंडस्ट्री हो गया, हमने किस किस को जनाब वो प्रायोरिटाइज करके उसको बजट एलोकेशन करनी है। ये पूरे साल की एक्सरसाइज होती है, हर साल होता है, हर दफ़ा इसी तरह से इसकी प्रोजेक्शन बनती है। रेवेन्यू को जो है वो पहले देखा जाता है कि भाई रेवेन्यू हमारा एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना है। हम अक्सर सुनते हैं कि FBR को हदफ दिया गया कि इस साल का ये हदफ है, इस साल 9200 अरब का हदफ है, इस साल 2500 अरब का हदफ है, वो हर साल एक प्रोजेक्शन बनाई जाती है और उसके मुताबिक फिर अखराजात को जो है वो एलोकेट किया जाता है। तो इसी तरह से ये हर साल यही एक्सरसाइज होती है। अच्छा, अब हम आपके सवाल पर आ जाते हैं कि हम बजट को किस तरह से जो है वो बेहतर बना सकते हैं। सर, फार्मूला सच तो वही है कि जनाब आपने अपनी इनकम को देखना है कि हम अपने रेवेन्यू किस तरह से बढ़ा सकते हैं। आपने रेवेन्यू को देखना है, आपने देखना है कि किस तरह से मजीद रेवेन्यू को इंक्रीज़ किया जा सकता है। आपने उसको जनाब आपने अपने सबसे पहले अपने रेवेन्यूज़ को फोकस करना है। आप रेवेन्यू मतलब ले लें तो आप टैक्सेस से हट के आप एक्सपोर्ट पे फोकस करें कि यार हम एक्सपोर्ट अगर करते हैं तो उससे भी गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उसमें इंक्रीज़ आता है। एक तो ये एलिमेंट आ जाएगा। फिर हम कहेंगे फॉरेन रेमिटेंस, बाहर से पैसा आता है, जो बाहर के आपके जो ओवरसीज हजरात हैं वो बाहर से पाकिस्तान पैसा भेजते हैं, तो उससे जो पैसे आते हैं तो उसकी गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अब ये मुख्तलिफ आपके समझ लें असेंशल्स हैं जिसकी बेसिस पे आपका आप गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है। जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है उसकी बेसिस पे ना फिर आप बजट जो है वो एक्सपेंसेस को एलोकेशन करते हैं, हर सेक्टर वाइज उसको एलोकेट करते हैं। तो सबसे बेस्ट ये है कि जनाब आपने गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज़ करें, आप एक्सपोर्ट करें, आप फॉरेन रेमिटेंस लाएँ, ठीक है, आप टैक्सेस को मजीद उसका हदफ इंक्रीज़ करें। आप ये 3-4 सोर्सेज से आप रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उमर बाजवा साहब, ये भी बताइएगा जो ये ड्राफ्ट फिनांस बिल आया है इसमें इनकम टैक्स के कानून में रद्दो बदल की ज़रूरत है? इसमें ये है कि चूँकि इस टाइम पे टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी इसमें हार्ड स्टेप्स ले चुकी है, टैक्सेस में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है, ठीक है, सेल्स टैक्स को इन्होंने इंक्रीज़ किया है, इनकम टैक्स को इन्होंने टफ़ किया है, सेल्स का उसको भी टफ इन्होंने कर दिया है। तो इसमें जो आपकी आम आवाम है सर वो बहुत ही इस टाइम परेशान हाल है। मैं ये कहूँगा कि सर इसमें ऐसा तो रद्दो बदल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप टैक्स बेस को बढ़ा दें,
आप अपने जो एग्जिस्टिंग जो टैक्स पेयर्स हैं उनसे हट के आप मजीद न्यू टैक्स पेयर्स को जो है वो इन्वॉल्व करें, उनको टैक्स बेस्ड नेटवर्क में ले गए। उसके लिए आप ये नो डाउट उस पर जो है वो इनिशिएटिव लिया हुआ है, गवर्नमेंट ने लिया हुआ है कि जनाब वो हार्ड स्टेप्स भी ले रहे हैं कि वो सिम्स को भी कह रहे हैं कि ब्लॉक कर देंगे, वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को भी डिसकंटिन्यू कर देंगे, वो गैस के कनेक्शन भी डिसकंटिन्यू कर देंगे जो कि सेक्शन 114B भी कहते हैं। आप प्रैक्टिकली उसको इन्फोर्स करें, ये गुड इनिशिएटिव है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि ये आप जो है वो टैक्स बेस को बढ़ाएं। अगर टैक्स बेस बढ़ेगी तो ही आपके जो है वो आपके रेवेन्यू में और टैक्सेस में इजाफा होगा। आप जो एग्जिस्टिंग है उस पर अगर टैक्स लगा देंगे मजीद, उस पर आप उस पर लेजिस्लेशन करके उनको इंक्रीज कर देंगे, तो उससे सर जो ये होगा कि जो आपका जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है वो डिस्करेज होगा। ठीक है, तो आप उसको डिस्करेज करने की बजाय आप न्यू टैक्स पेयर्स ले गए, उनको आप टैक्स बेस में ले गए ताकि आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो। जस्ट आपने जो ताजर दोस्त ऐप इंट्रोड्यूस की है, ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है जिससे आप जो है वो रिटेलर्स को टैक्स नेटवर्क में लेके आएंगे और उससे आप आहिस्ता आहिस्ता रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ होगा। यूबी साहब जो एक ना स्कॉटिश जो था वो इकोनॉमिस्ट था, उसने बड़ी अच्छी बात की थी, उसका नाम था एडम स्मिथ। सो उसने ये कहा था कि अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करें। लिबरलाइज करने का मतलब ये है कि आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ दें। सर मैं ये कहता हूँ कि ये बजट ऐसा होना चाहिए कि इस टाइम पे आप देखें जो सूरत हाल है पाकिस्तान के, एक बिज़नेस अब जो है वो ठप हुए हैं। जब बिज़नेस ही बंद हो जाएंगे तो टैक्स कहाँ से आएगा, रेवेन्यू कहाँ से आएगा। आप सबसे पहले ये इनिशिएटिव लें, गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि भाई कौन से ऐसे इकदाम करने चाहिए कि जो बिज़नेस को जो है वो सपोर्ट करें। आप हमारा जो छोटा जो तबका है ना, जो मीडियोकर क्लास है, वो समझ लें कि ख़त्म हो गई है। क्यों? क्योंकि वो जो छोटे पैमाने पे कारोबार थे वो बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हुए हैं। हमने ये क्या करना है कि हम छोटे छोटे कारोबार जो मिडल लेवल पे जो चल रहे थे उनको दोबारा से रीइंस्टेट करें। गवर्नमेंट को ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए कि जनाब उनको सपोर्ट करें, उनको इकोनॉमी को लिबरलाइज करें ताकि जो बिज़नेस है वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों। बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी तो ही आप आगे टैक्स फर्दर लगाने का सोचेंगे। जब आपके पास बिज़नेस ही नहीं है तो आप टैक्स कैसे लगाएंगे, नए टैक्स कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो बेस्ट मैं तो उधर से ही स्टार्ट लूँगा कि जो है ना गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि जो टैक्स पेयर है या आपने टैक्स को इंक्रीज़ करना है तो सबसे पहले कारोबार के मौके पैदा करें, इकोनॉमी को लिबरलाइज करें। ठीक है, उसको फलने फूलने दें तो फिर जनाब आप उसके टैक्सेस को, आप उसकी कलेक्शन को जो है वो कर सकेंगे। अदरवाइज आपका कलेक्शन करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब आप रेवेन्यू के जो फॉर्मूल जो एसेंशियल्स होते हैं वो तीन चार ही हैं कि आप किस तरह से आपने रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं। या तो आप एक्सपोर्ट है कर सकते हैं, या आप बाहर से पैसा ओवरसीज को कहेंगे फॉरेन रेमिटेंस के मद में आता है, या तो फिर आप टैक्सेस लगाते हैं। तो टैक्सेस तो बेचारा जो मिडिल मैन है, जो लोअर मैन है, वो तो वैसे बेचारा पिस गया है, वो तो टैक्स देने के काबिल ही नहीं रहा। तो आप पहले उनको काबिल तो बनाएं, पहले उनको कारोबार की अपॉर्चुनिटीज़ तो दें। तो बजट जो है वो इस साल का इस तरह से होना चाहिए कि जो मिडिल मैन है, जो मध्यवस्त तबका है, उसको जो है वो रिलीफ मिले, वो कारोबार सरगर्मियाँ उसकी जो है जो मुतासर हुई थी वो दोबारा से रीइंस्टेट हो, ताकि नए जो है उसको हदफ का जो है फिर उसको किया जाए। बहुत शुक्रिया उमर बाजवा साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूँ, FBR को एक तजर्बा गाह के तौर पर बनाया गया है। कभी कवानीन को बदला जाता है, कभी सिस्टम को बदला जाता है, कभी IRS आ जाता है। इससे पहले दूसरे सिस्टम चल रहे थे। 76 साल में जो FBR में तजुर्बात हुए हैं, पहले जो एक्ट बना, फिनांस एक्ट बना 1969, जब वो लोगों को समझ आया, उसके बाद इनकम टैक्स आर्डिनेंस 2001 आ गया। अब 2001 को इंसान जो टैक्स पेयर है या टैक्स कलेक्टर है या टैक्स प्रैक्टिशनर है, उसको अब वो समझ चुके हैं। उसके बाद फिर इसको बदला जा रहा है। ये क्यों बदला जाता है बार बार? मैं राणा आसफ साहब, ये बताइएगा, जो ये फिनांस बिल 2024 प्रपोज्ड हुआ है, इसको लाने की ज़रूरत क्या थी? ये जो ड्राफ्ट अमेंडमेंट आई है इनकम टैक्स आर्डिनेंस 2001 में, जी
इसकी जो हिस्ट्री है वो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान काजी ईसा फैज साहब जो हैं उन्होंने एक आर्डर पास किया जिसमें उन्होंने इनको डायरेक्शन दी कि जो डेलीगेटेड पावर हैं वो फर्दर डेलीगेटेड नहीं हो सकती जी जी। तो इन्होंने उसकी जो है ना फॉलो अप करते हुए उस जजमेंट की रोशनी में जो है अमेंडमेंटें की हैं जिसमें उन्होंने कमिश्नर की जगह डिप्टी कमिश्नर को एम्पावर कर दी है। इसी तरह मुख्तलिफ जो हिस्ट्रीज हैं वो इसी तरह चलती आ रही हैं कि उसकी डायरेक्शन में इन्होंने अमेंडमेंट किया और इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी जो अभी इन्होंने कर दी है। इससे पहले भी बजट से पहले भी कोई ऐसा कभी प्रपोज फाइनेंस बिल आया है? नहीं, ऐसा तारीख में पहले भी कभी ऐसा होता रहा? पहले तो नहीं कभी हुआ, ये फर्स्ट टाइम ही हो रहा है कि बजट बिल्कुल करीब है और उससे पहले ये अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। और ऑर्डिनेंस इनकम टैक्स 2001 में, सेल टैक्स एक्ट 1990 और फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 में, तीनों जो हमारे इधर इम्प्लिकेटेड हैं लॉज टैक्स के रिलेटेड, उन तीनों में इन्होंने चेंजिंग लेके आए हैं। और वो चेंजिंग अच्छा जो ज़राए आसफ़ साहब बता रहे हैं, ज़राए कह भी रहे हैं पंजाब उस वफा असम्बली से इसको बिल को पास भी करवा लिया गया। कह तो रही हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उससे अंदाज़ा हो रहा है ये वाकई बिल पास हो चुका है, लेकिन बजट कैसा बनेगा? लेकिन कह तो रहे हैं कि बिल पास हो चुका है, अभी तक किसी इनकी वेबसाइट पे या वैसे ऑफिशियली कहीं भी डिलीवर नहीं किया गया, वर्बली कहा जा रहा है कि बिल पास हो गया, सोशल मीडिया पे आ रहा है। IMF के कहने पे तो नहीं अमेंडमेंट ये बिल लाया गया? नहीं, इसमें कोई ख़ास ऐसी अमेंडमेंट नहीं है जो कि IMF के कहने पे आई हो। सेल टैक्स में ज़रूर है, सेल टैक्स में ज़रूर है, लेकिन इनकम टैक्स में ऐसी कोई खास अमेंडमेंट नहीं है। हालांकि जबकि IMF से 1 अरब 10 करोड़ रुपये हुकूमत को मिल भी चुके हैं, IMF से किस्त मिल भी चुकी है, उसके बावजूद ये प्रपोज फाइनेंस बिल लाया गया? जी पैसे मिल चुके हैं, लेकिन उन्होंने कमिटमेंट करके दे लिए होंगे ना कि हम जो आप कह रहे हैं वो इम्प्लीमेंटेशन या अमेंडमेंट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में या बाकी जो टैक्सेस के लॉज हैं उनमें अमेंडमेंट करनी है, तो वो अब वो अमेंडमेंट तो लाजमी करेंगे। मेजर जो इनकम टैक्स में अमेंडमेंट हो रही है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की वजह से हो रही है। अच्छा आसफ साहब, ब्रेक से जाने से पहले मुझे ब्रेकर कहा जा रहा है, इस अमेंडमेंट्स बिल में जो तब्दीलियाँ आई हैं वो क्या है और इन तब्दीलियों का मौजूदा जो कवानीन है उन पर क्या असरात होंगे, लेकिन ब्रेक से बात। नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी राणा साहब। जी यूबी साहब, ऐसा है कि जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं, एक तो उन्होंने पावर्स को जो है ना डेलीगेट किया है कि कमिश्नर्स की पावर को डिप्टी कमिश्नर को दे दी है और एडिशनल कमिश्नर को दे दी है, कुछ पावर्स को उन्होंने महदूद किया और कुछ को इन्हांस कर दिया है, इस तरह इन्होंने पावर ट्रांसफ़र की है। और दूसरा जो हमारे विद होल्डिंग के टैक्स सेक्शन थे उनके सेक्शन सेपरेट होते हैं, शेड्यूल में रेट्स होते हैं और रूल में उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना होती है टैक्स डिडक्शन की। ठीक है, अब इन्होंने इस अमेंडमेंट के थ्रू जो है ना टैक्सेस रेट का जो है वो सेक्शन के साथ ही ले आए हैं, लेकिन अभी जो टैक्सेस रेट हैं उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं की गई, सिर्फ शेड्यूल को टैक्स के जो रेट है उसका शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं है, शेड्यूल में तब्दीली नहीं की गई, सिर्फ शेड्यूल से उठा के सेक्शन के साथ उसको लिंक कर दिया गया है, ये है। दूसरा ऑडिट की पॉलिसी को अमेंडमेंट किया गया है कि जो 170 में ये था कि पहले कमिश्नर ऑडिट अप्रूव करता था देन जाके ना डिप्टी कमिश्नर ऑडिट करता, लेकिन अब उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को जो है ना एम्पावर कर दिया है कि वो ऑडिट करेगा। और दूसरा उस रेट का निज़ाम बिल्कुल बदल दिया गया है कि उससे थोड़ा बहुत उसमें रद्दबदल की गई, तकरीबन समझें कि बदल दिया गया है। पहले तो ये था कि एक साल का किसी टैक्स पेयर का ऑडिट हो गया है तो उसकी 2 साल या 3 साल दोबारा ऑडिट नहीं कर सकते थे जी। अब इन्होंने कह दिया है कि डिप्टी कमिश्नर अगर चाहता है कि उसके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि वो ऑडिट करना चाहे तो एवरी ईयर टैक्स पेयर का ऑडिट कर सकता है, हर साल कर सकता है, हर साल कर सकता है। काफ़ी एम्पावर कर दिया उन्होंने टैक्स अथॉरिटीज़ को, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव को, लेकिन ये जो पावर की ज़्यादा पावर देना है वो भी हमारे कंट्री के लिए ठीक नहीं है। टैक्स पेयर आशा साहब, आप तो डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वो अफसरान कमिश्नर दूसरे एडिशनल कमिश्नर वो तो सिर्फ आर्डर देने तक महदूद, काम तो ये DCR DC जो है IR यही करते हैं, इंस्पेक्टर यही करते हैं काम जी। असल में देखें कि एम्पावर तो ये है, साइनिंग अथॉरिटी ये है, लेकिन ये लोग खुद तो ऑडिट नहीं करते, वो तो नीचे एडिटर से करवाते हैं या इंस्पेक्टर जो हैं वो कर रहे होते हैं, उन्होंने देखना होता है, तो ये तो बस साइन करने के लिए होते हैं।
पावर, लेकिन इनकी साइनिंग अथॉरिटी की पावर जो है ना वो इन्होंने इन दी कंप्लायंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के तहत डीसी को जो है ना पावर की है, वरना पहले कमिश्नर की अप्रूवल के साथ ही होता था। अच्छा आशा साहब, इसमें जो सेक्शन 111 है जिसमें फेयर मार्केट वैल्यू के असेसमेंट जो करता था, अब उसको डीसी को अख्तियार मिल चुका है? यूबी साहब, इन्होंने इस अमेंडमेंट के थ्रू वो अख्तियार दिया है, लेकिन देखें कि जहां वो अख्तियार उस हद तक दिया गया है कि जहां भी रजिस्ट्री होती है वहां एफबीआर का रेट है 236 सी टैक्सेस एडवांस टैक्स पे करने के लिए, 236 के एडवांस टैक्स पे करने के लिए वो फेयर मार्केट रेट कंसीडर होता है जो सेक्शन 68 में है। ठीक है, तो जहाँ पे ये रेट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये नोटिफिकेशन जिन एरियाज में नहीं है वहाँ जो है ना डिप्टी कमिश्नर उसको फेयर मार्केट वैल्यू को असेस कर सकेगा 111 में। ठीक है, और वो जब उसको असेस करेगा विद अप्रूवल ऑफ कमिश्नर करेगा, खुद से नहीं करेगा। ठीक है, तो वो कमिश्नर से अप्रूवल लेके उसको असेस कर देगा, ये इन्होंने। अच्छा, इसमें अमेंडमेंट में जो गैर मुल्क सासे जिन्होंने अपने वेल्थ स्टेटमेंट में वो डिक्लेयर नहीं किए, अब उनके साथ क्या सलूक होगा? योगी साहब, इस अमेंडमेंट में ये था कि वो कह रहे हैं कि वो जो असासे डिक्लेयर नहीं किए किसी ने, जब उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी तो उससे पिछले साल में उसको हम ऐड बैक कर देंगे 111(1)(b) के तहत, 111 सेक्शन 111 के तहत उसका एडिशन कर देंगे। लेकिन उसका एडिशन करके तो टाइम लिमिटेशन, तो देखें हमारे दो सेक्शन है टाइम लिमिटेशन में, एक चार्जिंग सेक्शन है 122 जिसमें असेसमेंट होती है 6 ईयर का, दूसरा सेक्शन 174 है जो कि रिकॉर्ड कीपिंग के लिए है। तो जब टैक्स पेयर मैं पाकिस्तान का हूँ तो मेरे पे लिमिटेशन के दो सेक्शन हैं, एक चार्जिंग सेक्शन 122 है, दूसरा 174 है, तो दोनों में लिमिटेशन मौजूद है, तो आर्डर भी उन्होंने 122 में करना है, तो 111 के इन्फॉर्मेशन जो है 122 में 6 साल के बाद कैसे कर पाएंगे, ये जो है ना इलीगल है, ये चैलेंज हो जाएगा। अच्छा, इनकम टैक्स में कौन कौन सी तब्दीलियाँ इस अमेंडमेंट में लाई गई हैं? इनकम टैक्स में एक तो उन्होंने जो पावर डेलीगेट की है, दूसरा उन्होंने जो है ना डिडक्शन के जो शेड्यूल था उसको सेक्शन में ले आए हैं, ऑडिट का तरीकाकार चेंज किया है, उसमें 122 ई एक ऐड किया है कि पहले एडिशनल कमिश्नर 122(5)(a) या 122(5)(ee) कर सकता था कि वो डायरेक्ट 120 की अमेंडमेंट उसके थ्रू कर लेते थे 122(5)(a) के तहत, अब उन्होंने एडिशनल कमिश्नर को एम्पावर कर दिया 122(e) में ले जाके कि वो डिप्टी कमिश्नर अगर कोई आर्डर 120 की अमेंडमेंट करके 122 में अमेंड कर देता आर्डर, तो देन वो एडिशनल उसको रिव्यू कर सकता है, उसकी अमेंडमेंट वो कर सकता है अगर कोई गलती है तो इस तरह। और जो विद होल्डिंग की है उनमें अमेंडमेंट की है, पावर्स में अमेंडमेंट की है, ये अमेंडमेंट आई है। खास टैक्स रेट में कोई फर्क आया है कोई विद होल्डिंग के टैक्स रेट में या वैसे इनकम टैक्स के रेट में कुछ? अभी इस अमेंडमेंट में उन्होंने टैक्स रेट का कोई अमेंडमेंट नहीं की, टैक्स रेट वही रहने दिए हैं, सिर्फ इतना अमेंड किया है कि जो टैक्स रेट शेड्यूल में होते थे वो सेक्शन के साथ आ जाएंगे, जिस सेक्शन में फॉल करेंगे जिस सेक्शन की डिडक्शन होगी उसी में रेट आ जाएंगे, मे बी के वो अमेंडमेंट जाके बजट में करें। अच्छा, ये जो एसोसिएट की डेफिनेशन थी सेक्शन 88 में, उसमें कोई फर्क आया? एसोसिएशन की डेफिनेशन पहले थी कि 50% अगर शेयर होता था तो वो एसोसिएट था, लेकिन अब उन्होंने रिड्यूस करके 26 पे कर दिया है। ठीक है, उसको जो है ना नैरो कर दिया उन्होंने एसोसिएशन की डेफिनेशन। इसका मतलब है अब इस जो इनकम टैक्स के जितनी अमेंडमेंट आई है मौजूदा कानून से कोई मुतसादम तो नहीं है? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है अभी। अगर ये इनकम टैक्स में जितने अमेंडमेंट किए हैं अगर बजट का हिस्सा बन जाए तो टैक्स पेयर को इसका फ़ायदा होगा कोई उसका? नहीं, इसमें टैक्स पेयर तो कोई फ़ायदा नहीं, इन्होंने जो है ना देखे सिर्फ जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव हैं उनको एम्पावर किया है, उनके इख्तियारात में इजाफा किया है, टैक्स पेयर को तो कोई रिलैक्सेशन नहीं दी, कोई जो है ना टैक्स को सिंप्लीफाई नहीं किया, ना टैक्स रिड्यूस किया है, इन्होंने सिर्फ जो है ना डिपार्टमेंट को एम्पावर किया। जो बिल में सिंप्लीकेशन और हार्मोनाइजेशन का जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया फिर वो सिर्फ दिखावे के लिए है? दिखावे के लिए, और वो डिपार्टमेंट को एम्पावर किया जा रहा है इस अमेंडमेंट के साथ। और टैक्स में जितनी इनकम टैक्स में अमेंडमेंट हुई है आप समझते हैं इससे जो डायरेक्ट टैक्सेस
का जो बेस है वो बढ़ पाएगी, वो टैक्स पेयर में इसमें कोई तादाद में कोई फर्क पड़ेगा इस बेहतरी की तरफ जाएगा? इसमें तो सिर्फ एम्पावर किया गया है और कोई डिडक्शन की चेंजिंग सेक्शन यहाँ से उठा के यहाँ कर दिए गए हैं, इसमें टैक्स कलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जो हम हर साल बजट में कहते हैं लफ्ज़ों का गोरख धंधा है, लफ्ज़ों का हेर फेर है, ये अमेंडमेंट भी जो बिल लाया गया ये भी फिर लफ्ज़ों का हेर फेर है, सिर्फ इख्तियारात में रद्दोबदल करके सिर्फ रखा गया? में रद्दोबदल किया गया और कोई लफ्ज़ों का हेर फेर है और कुछ नहीं है। देखिए वाम को ये फैसिलिटेट नहीं कर रहे ना, वाम को फैसिलिटेट करेंगे तो देन टैक्स कलेक्शन होगी। जी जी, अच्छा मुझे ना ब्रेक का कहा जा रहा है राणा साहब, ब्रेक से जाने से पहले आप सेल टैक्स की तरफ आते हैं, जो अमेंडमेंट में जो सेल टैक्स में उसमें जो फ्रॉड का एक अलमिया था उसको ख़त्म करने के लिए उसमें की डेफिनेशन में क्या तब्दीलियाँ हुई हैं वो, लेकिन ब्रेक से बाद आपसे जवाब लेते हैं। नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी राणा साहब, पहले आप ब्रेक से पहले आप सवाल हो रहा था फ्राड का, सेल टैक्स में फ्राड का जो डेफिनेशन में तब्दीली लाई गई वो क्या है? यूबी साहब, सेल टैक्स में जो सबसे पहले इन्होंने सेक्शन 237 है, सेक्शन 2 का सब सेक्शन 37 वो फ्राड का है। फ्राड का जो था, फ्राड की डेफिनेशन थी इंटेंशनली डिसऑनेस्टी और फ्रॉडेंटली, तीन वर्ड यूज़ किए जाते थे, वो टैक्स की डेफिनेशन में आते थे। अब उन्होंने उसका जो दायराकार है वसी कर दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो बंदा लाइबल टू रजिस्टर्ड होगा वो रजिस्टर्ड नहीं होता, वो भी टैक्स फ्रॉड में आएगा। जो रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, लाइबल टू फाइल था, वो भी टैक्स फ्रॉड में आएगा। जो सेल टैक्स एक्ट के सेक्शन 22 के तहत रिकॉर्ड कीपिंग करनी थी वो नहीं कर रहा, वो भी टैक्स फ्रॉड में आएगा। ये सारे सेल टैक्स के जितने भी जो प्रोसीजर था रजिस्ट्रेशन से लेके रिटर्न फाइलिंग तक रिकॉर्ड कीपिंग तक, वो सारे टैक्स फ्रॉड के जुमरे में आ जाएंगे। और सेल टैक्स का पहले 38 एक सेक्शन ही माननी था जिसके जरिए सब छापे मारे जाते थे और ताजर बरादरी भी बिल बुला उठती थी। अब ये इतने उसमें जैसे आप बता रहे हैं अब तो इतनी चीज़ें निकल आई हैं, फिर तो ये सेल टैक्स का तो मारे गए सारे। बिल्कुल, टैक्स पेयर के लिए जो है ना घेरा तंग किया जा रहा है, ये टैक्स फ्रॉड के लिए नहीं, टैक्स फ्रॉड को ख़त्म नहीं कर रहे, टैक्स पेयर को ख़त्म कर रहे हैं। अगर टैक्स फ्रॉड करना है तो इनपुट की एडजस्टमेंट ख़त्म कर दें, अगर टैक्स पेयर को ख़त्म करना है तो फिर इसी तरह चलते रहें यही कानून लेके। देखिए अब वो कह रहे हैं कि जब हम ऑर्डर का नोटिस करेंगे उसका रिप्लाई नहीं देंगे या रिकॉर्ड नहीं देंगे वो भी टैक्स फ्रॉड में आएगा। सारी चीज़ें उठा के जितना प्रोसीजर है ना वो सारा उठा के टैक्स फ्रॉड में कर दिया है। और पहले होता था कि इन्वेस्टिगेटेड ऑडिट या 38 की अगर इन्होंने कोई रेड वगैरह करनी है तो उसका सर्च वारंट वो सिविल मजिस्ट्रेट से लेना पड़ता था, सिविल कोर्ट। अच्छा, पहले 350 जो SRO आया था जिसमें कहा गया था फेक इनवॉइस फ्रॉड टैक्स फ्रॉड सबको ख़त्म हो जाएगा SRO के बाद, उसे वो भी रिलेटेड ऐसे नहीं? यूबी साहब वो एक सेपरेट इशू है। जो SRO 350 आया उसमें रूल्स, सेल टैक्स रूल 2006 जो है ना उसके तीन रूल्स में अमेंडमेंट की गई है। सबसे पहले रूल 5 में अमेंडमेंट की है, वो रिलेट करता था रजिस्ट्रेशन के। उसमें ये था कि डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, जो उसमें उन्होंने एडिशन कर दिया है क्लाज ऐड करके कि आप जो है ना उस रिक्वायरमेंट में जो है बैलेंस शीट देंगे एट द टाइम ऑफ, और हर साल लादरा से अपने वेरिफिकेशन करवाएंगे, दूसरा फर्स्ट बायोमेट्रिक करवाएंगे। वो था कि आप बैलेंस शीट देंगे और एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, और जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो भी बैलेंस शीट फाइल करेंगे। उसकी इन्होंने डेडलाइन दी थी लेकिन अब तो वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। वज़ीर आज़म साहब ने मुखर किया, ख़त्म तो नहीं हुआ, मुखर हुआ है वो, उसको डेडलाइन को ख़त्म किया, मुखर किया, डेडलाइन 30 दिन की वो ख़त्म कर दी है। अब यानी जो भी बंदा अपने प्रोफाइल में जाके बैलेंस शीट फीड करेगा वो अपडेटेड हो जाएगी। जी वो था। और दूसरा था कि बायो जो है ना LRO को पावर कर दिया है कि जो रजिस्ट्रेशन पहले टैक्स पेयर ऑनलाइन ले लेता था अब वो जो है ना सिस्टम में अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देगा। LRO जो लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वो उसको वेरीफाई करेगा, उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करे या प्री कर ले या पोस्ट कर ले, दोनों में से जो भी वो करना चाहे वो करके तो देन वो प्रूव करेगा आपको रजिस्ट्रेशन देगा। देखिए वो टैक्स पेयर के लिए जो इंटरेस्ट है ना वो तंग कर दी गई है, वो मुश्किल कर दी गई है। एक तो ये अमेंडमेंट थी, दूसरी उन्होंने कहा बायोमेट्रिक होनी चाहिए कि वो होती थी वंस अ टाइम आफ्टर रजिस्ट्रेशन बायोमेट्रिक करते हो तो सेल टैक्स एक्ट हो वो एक्टिव हो जाता था। अब हर साल करवानी पड़ेगी। अब जो है ना एवरी ईयर 1 जुलाई से 31 जुलाई के में जाके हर सेल टैक्स में रजिस्टर्ड पर्सन जाके बायोमेट्रिक करवाएगा और देन वो एक्टिव होगा, वरना उसकी रिटर्न। ये तो ऐसे ही पहले एक दफ़ा लाइसेंस बनवा लिया तो
पाँच साल चलता था, गाड़ी के टोकन पे कर दिए तो एक होते थे, डॉक्यूमेंट्स बन गए तो एक दफ़ा बनते थे, अब वो ये मिले हर साल गाड़ी कागजात में न्यू बनवाओ, उसकी फीस भी हर साल न्यू करवाओ, वो हर चीज़ की, ये तो एक आवाम को या लूटने के लिए है या क्या, सारा सिस्टम ये जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा रहा है ये मुश्किल में आवाम को डालने के लिए है या बजट पूरे करने के लिए है? देखिए यूबी साहब, ऐसे जो हथकंडी होते हैं उनसे बजट पूरा नहीं होता। आवाम को लिए सिस्टम को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए। अगर आपने बजट बढ़ाना है, टैक्स कलेक्शन करनी है, तो टैक्स सिस्टम को आसान करना होगा। अच्छा, और उसकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज देनी होगी। आशा साहब, इसमें जो इन्होंने किया अपील इफेक्ट लिमिटेशन में, उसकी में तो कुछ तब्दीलियाँ की हैं, वो क्या है? जी पहले ये होता था यूबी साहब के अपील इफेक्ट ये होता था कि जिस फिनंशियल ईयर में हमें ऑर्डर मिलता है अपील का, उसके नेक्स्ट ईयर यानी एक साल बाद उन्होंने असेसमेंट अपील फैक्ट देना होता था। अब उसको इन्हांस करके दो साल कर दिया गया, सेल टैक्स में भी और इनकम टैक्स में भी, इसी तरह फेडरल एक्साइज एक्ट में भी, तीनों में कोई चेंजिंग क्या है? कोई चेंजिंग नहीं, सिर्फ एक साल जो है ना टैक्स अथॉरिटी को और दे दिया है कि अपील फैक्ट देने के लिए आप टैक्स पेयर को और लॉन्ग करें, और उसको तीन उनकी यानी नहली को छुपाया जा रहा है ना, अगर वो साल में नहीं कर सकते तो उनको दो साल कर दिया गया है। और इनकम टैक्स में जो एक मेजर इन्होंने चेंज किया है, वो कमिश्नर अपील की जो पावर्स हैं उनको रिड्यूस कर दिया है, यानी सेल टैक्स में 1 करोड़ तक की जो रिकवरी होगी उसके अगेंस्ट कमिश्नर अपील के पास टैक्स पेयर जा सकेगा, और अगर इससे ज़्यादा होगी तो वो डायरेक्ट ट्रिब्यूनल में जाना होगा। और अगर इनकम टैक्स की जो रिकवरी 2 करोड़ है तो वो कमिश्नर अपील के पास चला जाएगा, 2 करोड़ से ऊपर है तो ट्रिब्यूनल में जाना होगा। लेकिन देखिए पहले ही इतना ज़्यादा अपील्स पेंडिंग हैं, ट्रिब्यूनल पे रश हो जाएगा, बर्डन बढ़ जाएगा, वहाँ पे ये काम नहीं हो पाएगा। अगर इन्होंने टैक्स कलेक्शन करनी है और पेंडेंसी ऑफ केसेस काम करनी है तो इनको असेसमेंट का म्यार ठीक करना होगा, असेसमेंट का तरीका का ठीक करना होगा, जो असेसिंग ऑफिसर है उसका चेक एंड बैलेंस किसी को रखना होगा। 2700 अरब रुपए का कह रहे हैं वो ट्रिब्यूनल में हमारे टैक्स रुके हैं सिर्फ एक स्टे की वजह से। अब अगर हकायक को देखा जाए तो वो तो सिफर, उनमें से बहुत से 100 में से केस 99 केस होते हैं जब अरबों का टैक्स सिफर हो जाता है। यूबी साहब 99% जो केसेस हैं ना वो प्रिजम्पशन एजम्पशन बेसिस पे होते हैं, और वो अपील में जाके वो स्टैंड ही नहीं करते। ये हुकूमत को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, इसमें बड़ा कुछ देखिए जो है ना, रिकवरी की अमाउंट बढ़ाई जा रही है, असेसमेंट की नंबर ऑफ असेसमेंट बढ़ाई जा रही है, उसका जो म्यार है उसको ठीक नहीं किया जा रहा। ऐसे ऑर्डर होते हैं कि फर्स्ट अपील में उठ जाते हैं, नहीं तो सेकंड अपील में या किसी भी अपील फोरम में स्टे वहां मिलता है जहां प्राइमा फेसी केस आर्गुएबल हो। अगर केस आर्गुएबल नहीं है तो स्टे नहीं मिलेगा, रिकवरी डायरेक्टली हो जाएगी। अगर आपकी असेसमेंट ही ऐसी होगी कमज़ोर तो उसमें तो स्टे हो ही जाएगा। अच्छा, इसमें सेल टैक्स के सेक्शन 11 में जो नया कानून आया है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के हवाले से, वो क्या है? यूबी साहब, ये बेस्ट असेसमेंट जजमेंट जो थी 121 की इनकम टैक्स में पहले होती थी, या बल्कि उसको 122C कहा जाता था, प्रोविजनल जजमेंट, कि अगर कोई रिटर्न फाइल नहीं करता तो उसकी बेस्ट उसकी जजमेंट पास कर देती थी, अगर वो रिटर्न फाइल कर देता है तो वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर जो है ना वो नल एंड वाइड हो जाता है। इसी तरह अब इन्होंने इनकम टैक्स सेल टैक्स में अमेंडमेंट कर दी है, वहाँ से ख़त्म कर दिया है बेस्ट जजमेंट को इनकम टैक्स में, और सेल टैक्स में ले आए हैं, जो कि देखें वो इनडायरेक्ट टैक्स है, और रिटर्न की यहाँ पे असेस करने का तरीका ही नहीं था, सेल को इन्हांस नहीं कर सकते थे, यहाँ पे इन्होंने दे दिया है। क्योंकि बंदा रिटर्न अपनी फाइल नहीं करेगा या कोई सेल उसकी कम है, उसकी सेल को असेस करेंगे, रिटर्न को असेस कर देते हैं, एक ऑर्डर पास कर देंगे, जब वो रिटर्न फाइल कर देगा तो ऑर्डर ना ले। सेक्शन 11 में 11A, 11B, 11C तब्दीलियाँ तो की गई हैं सेक्शन के जो सब सेक्शन से ना, उनको उठा के सेग्रीगेट कर दिया, उनको सेक्शन वाइज कर दिया है, लिमिटेशन का, एम्पावर का, पहले था 11-2 है, 11-3 है, 11-4 है, 11-5 है, अब उसको 11A, 11B, 11C इस तरह उन्होंने सेग्रीगेट। अच्छा, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन में क्या तब्दीली लाई गई है इसमें? जी यूबी साहब, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन पहले ये थी कि जो बंदा टैक्सेबल एक्टिविटी करेगा पाकिस्तान में वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होगा, लेकिन जो कॉटेज इंडस्ट्री जिसे हम होम इंडस्ट्री कहते हैं, लोग घरों में छोटे छोटे बिजनेस मैनुफैक्चरिंग कर रहे थे, उनकी इन्होंने एक लिमिट रखी हुई थी टर्नओवर की ना, कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आता है
तो देन उसके एग्जम्पशन होगी, वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होगा या उसका इतना टर्नओवर होगा, एक लिमिट रखी हुई थी। अब इन्होंने बिल्कुल वो कॉटेज इंडस्ट्री को भी ख़त्म कर दिया, यानी एवरी पर्सन जो टैक्सेबल एक्टिविटी करेगा पाकिस्तान में वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होगा। इनसे तो पहले ही सेल टैक्स का जो निज़ाम है वो नहीं संभाला जा रहा था, अब हर दुकानदार हर मैन्युफैक्चरिंग को उसमें रजिस्टर्ड करके कैसे उसको फॉलो अप कर सकेंगे, ये आवाम के लिए और मुश्किल। अच्छा, ये कंपलसरी जो रजिस्ट्रेशन है इसका भी इख्तियार कमिश्नर को क्यों दिया गया, डिप्टी कमिश्नर को? ये था कि वही जो पावर डेलीगेशन है ना वो सारी पावर डेलीगेटेड हो गई है ना, सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर, इनकम टैक्स में भी और सेल टैक्स में भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया है कि पावर जो है ना डेलीगेट करके उसको गजट करना है। ठीक है तो कमिश्नर की पावर सिर्फ गजट होती थी, बाकी तो और को होती नहीं, फर्दर डेलीगेशन थी वो उन्होंने जो है ना उसको गजटेड में गजट में लेके आए, इस वजह से उनको। राणा साहब, इसमें रजिस्ट्रेशन की जो कैंसिल के कानून में कोई तब्दीली लाई गई है? देखें, पहले भी डी रजिस्ट्रेशन का था अपना सेक्शन सेल टैक्स में कि टैक्स पेयर अगर वो रजिस्टर्ड नहीं रहना चाहता, उसका बिजनेस नहीं है, तो वो ऑडिट रिपोर्ट वो अप्लाई करता था डी रजिस्ट्रेशन STRN 3 के थ्रू जी। तो ये लोग उसकी ऑडिट करके उसको NOC दे के तो उसकी डी रजिस्ट्रेशन कहते थे। अब कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है, उसका सेक्शन सेपरेट कर दिया गया, पहले वो उसमें इंक्लूड था 21 में जी, 21 में जहाँ पे सस्पेंशन, ब्लैक लिस्टिंग और डी रजिस्ट्रेशन तीनों थे। अब इन्होंने 14A कर दिया है कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन या डी रजिस्ट्रेशन का, उसको सेपरेट कर दिया है, बाकी तरीकाकार वही है जो पहले था। अच्छा आशा साहब, सेल टैक्स में इन्वेस्टिगेटेड ऑडिट है, ये क्या है? ऐसा था कि पहले सेल टैक्स में सेक्शन 25 था जिसमें सिर्फ ऑडिट होता था, इन्वेस्टिगेटेड ऑडिट नहीं था, इन्वेस्टिगेशन होती थी 38 में रेड करके रिकॉर्ड उठा के, और उसमें रेड के लिए इन्हें मजिस्ट्रेट से सर्च वारंट लेने होते थे। ठीक है, अब इन्होंने ऑडिट के बाद एक इन्वेस्टिगेशन ऑडिट के लिए सेक्शन 25A ऐड कर दिया है, उसके थ्रू डिप्टी कमिश्नर को जो है ना एम्पावर कर दिया है कि वो कमिश्नर से अप्रूवल लेगा और उसका इन्वेस्टिगेट ऑडिट करेगा। इन्वेस्टिगेट ऑडिट जब स्टार्ट हो जाएगा तो 38 की रेड के लिए मजिस्ट्रेट से सर्च वारंट नहीं लेने की जरूरत, DC जो है ना DCIR वो डायरेक्ट अपना रेड कर सकता है उस पर ना, यानी इन्होंने इस अमेंडमेंट में जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव हैं उनको एम्पावर किया है, टैक्स का जो सिंप्लीकेशन का वर्ड है वो इसमें बिल्कुल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो एक वर्ड की हद तक है, टैक्स पेयर को कोई फैसिलिटेट नहीं किया गया, जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनको एम्पावर किया। नए टैक्स पेयर को लाने के लिए भी कुछ में आपको अंदाज़ा है, कोई अगर सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन में ये जो अमेंडमेंट लगी इससे रजिस्ट्रेशन की ज़्यादा होंगी, लोग ज़्यादा टैक्स सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होंगे? यूबी साहब, मेरा ख्याल है कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि देखें, जब एवरी बंदे को हर बंदे को रजिस्टर्ड करने जाएंगे तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लोग बाहर निकल आएंगे, पहले ही लोग बहुत तंग हैं, तो जब हम कहेंगे जो छोटा मोटा काम भी कर रहा है, जिसे हम कॉटेज इंडस्ट्री बोलते थे, अपने घर में बैठ के छोटा मोटा काम कर रहा है, अगर हम उसे भी कहें वो सेल टैक्स पे करे तो बिल्कुल ही काम ख़त्म हो जाएगा, उसमें महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, सेल टैक्स में ज़्यादा अमेंडमेंट, ये इस अमेंडमेंट में ज़्यादा सेल टैक्स की कि इनकम टैक्स है? मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सेल टैक्स में तब्दीली लाने के लिए ये प्रपोज किया गया। नहीं, ये असल में जो है ना टैक्स फ्रॉड को जो कहते हैं कि रोकने के लिए, एक तो टैक्स फ्रॉड की डेफिनेशन चेंज की गई, रजिस्ट्रेशन का तरीका का जो है ना वो बढ़ा दिया गया, कि पहले उन्होंने कैटेगरी रखी हुई थी कि ये लोग रजिस्टर्ड होंगे या ये नहीं होंगे, लेकिन अब इसके मुताबिक तो हर बंदे को वो कहेंगे रजिस्टर्ड हो जाएं, इसमें अमेंडमेंट इतनी है। सेल टैक्स में ज़रा कॉम्प्लिकेटेड अमेंडमेंट्स आई हैं, जो इनकम टैक्स में है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं, वो प्रोसीजरल। आशा साहब, मैंने FBR के अफसर से मेरी इस बारे में बात भी हुई थी मालूम लेने के हवाले से, जब हम उनसे डिस्कस में कर रहा था तो जो मुझे मालूम हुआ तकरीबन 4.25 लाख के करीब सेल टैक्स में लोग रजिस्टर्ड है, लेकिन जो प्रॉपर जो गोशवारे जमा करवाते हैं वो 1.25 लाख तकरीबन है, और जो टैक्स अदा करते हैं वो 40,000 है ज़्यादा सेल टैक्स में। यूपी साहब देखें, वो ये भी, लेकिन अगर टैक्स हदफ का हम देखें तो उसमें 55% सेल टैक्स का उसमें हिस्सा है। यूपी साहब, उसमें जो हमारे जितने भी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं, सुई गैस के बिल हैं, उनमें वो सेल टैक्स ले लेते हैं, इस वजह से उसकी कलेक्शन वहाँ चली गई।
जो बंदा इम्पोर्ट कर रहा है वो अपनी सप्लाई का भी 3% वैल्यूएशन टैक्स जो है ना वहाँ पे करता है, एक तो वो 18% अपना जो टैक्स रेट है नॉर्मल उसको भी पे कर रहा है, फिर उसने जो सेल करनी है ना उस पर भी वो एडवांस टैक्स वहाँ दे के आ रहा है, तो सेल टैक्स की कलेक्शन इसलिए पूरे टैक्स में 55% है क्योंकि सारे टैक्सेज एट द स्पॉट ले लिए जाए। अच्छा रान साहब आखिर में ये बताइएगा, ये अमेंडमेंट्स प्रपोज जो उन्होंने किए हैं आप समझते हैं ये बजट 2024 का अगर हिस्सा बनती है तो हमने बेहतरी की तरफ को कदम रखा है जिस तरह हुकूमत कह रही है हमने बिहार में रिफॉर्म्स और असलाहत किए? नहीं योगी साहब, ये बजट में बन के तो बेहतरी का कोई इशू नहीं है इसमें, ये अमेंडमेंट सिर्फ जो की गई है वो एडमिनिस्ट्रेटिव को एम्पावर किया गया है, टैक्स पेयर के लिए कॉम्प्लिकेशंस और मुश्किलात पैदा की गई हैं, इसमें आसानियाँ पैदा नहीं होंगी। इसमें देखिए हमारे पाकिस्तान में तो पहले ही ब्यूरोक्रेसी जो है वो मुल्क चला रही है, तो अगर उसको और एम्पावर कर देंगे, अगर आपने कोई सिंप्लीकेशन करनी है या आसानियाँ पैदा करनी है तो दोनों का लेवल होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी दोनों की होनी चाहिए। अभी जो इस अमेंडमेंट के थ्रू उन्होंने किया है वो सिर्फ टैक्स पेयर की अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाया है और टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव की पावर को जो है ना इन्हांस कर दिया है, उसमें कोई लेवल नहीं है, तो जहां लेवल ना हो वहां निज़ाम ठीक नहीं चलते। SROs आए हैं पीछे जिस तरह तजर्बात SROs के किए गए हैं, 469 आ गया, 420 आ गया, 350 आ गया, क्या वो टैक्स बेस बढ़ाने में मामून होंगे? योगी साहब आपने देखा ताजर दो स्कीम भी आई है जो बुरी तरह फ्लाप हो गई है, वो बुरी तरह फ्लाप हो गई है, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई 100 बंदे भी रजिस्टर्ड हुए होंगे, क्योंकि वो स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की गई, उन लोगों को अगर मुशावरत में उनका अतमाद में लेके किया जाता शायद उसका कोई फायदा हो जाता, वो हो जाता। इसी तरह इस अमेंडमेंट में जो सेल टैक्स में इन्होंने अमेंडमेंट की है, इस फिनांस जो है बिल 2024 अभी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं इसको भी देखें, जो स्टेक होल्डर है उनसे तो डिस्कस ही नहीं किया गया। असल हकायक टाइम खत्म हो गया राणा साहब, रियल इनकम पर अगर टैक्स लगाया जाए तो डायरेक्ट टैक्सेस की तादाद बढ़ सकती है, बहुत ज्यादा इनहांस हो जाएगी। सिंगल डिजिट पे अगर सेल टैक्स को लाया जाए तो आप समझते हैं टैक्स बेस को बढ़ाया जा सकता है? योगी साहब अगर टैक्स बेस बढ़ानी है ना तो सिंगल डिजिट इनडायरेक्ट टैक्स भी आना पड़ेगा और इनपुट की एडजस्टमेंट खत्म करनी पड़ेगी, तो हम पाकिस्तान में टैक्स स्पेस मौजूद है, बहुत ज्यादा स्पेस मौजूद है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन की वजह से टैक्सेस नहीं आ रहे, इसको सिंपल करें टैक्स निज़ाम को, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज करें तो टैक्सेस आएंगे। मोहम्मद आसफ राणा साहब आपका बहुत शुक्रिया, नाज़रीन हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी, अगर सेल टैक्स की तादाद को बढ़ाना है, टैक्स बेस को बढ़ाना है, तो जिस तरह आज तक टैक्स बार्स और चैम्बर्स और हम भी अपने प्रोग्राम में बहुत सेल टैक्स में प्रोग्राम किए हैं, जो तजावीज़ आती हैं सबसे बेहतरीन ये तजावीज़ है, सिंगल डिजिट अगर सेल टैक्स को कर दिया जाए, इनपुट को ख़त्म कर दिया जाए, तो हुकूमत भी और FBR भी नहीं सो सकता जितना टैक्स बेस बढ़ सकता है। अगर ये तजर्बा अगर नहीं करना चाहते आप समझते हैं नुकसान होगा, ये तजर्बा पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी पहले भी कर चुकी है, जब कोविड आया था उन्होंने 16% से 17% से रेट को 5% किया, जिन सेक्टर के किया सबसे ज़्यादा टैक्स बेस और टैक्स उनकी पेयर की तादाद उन सेक्टर में बढ़ी और आज तक भी वो कामयाबी से चल रहा है। दूसरा अगर आप इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट ने जिस तरह कहा 1,12,00,000 लोग एंटीएन होल्डर हैं, सिर्फ 35,00,000 रिटर्न आती हैं, अगर वो जो रिटर्न जमा नहीं करवाते टैक्स पोटेंशियल मौजूद है, उन लोगों को नोटिस किए जाए, उनसे पूछा जाए, कोई फौत हो गए होंगे, कोई कारोबार बंद हो गया होगा, 100 किसी के मसाले होंगे, आपको अंदाज़ा होगा वो लोग जो रिटर्न जमा नहीं करवा रहे क्या वजूहत थी, टैक्स स्पेस मौजूद है लेकिन उसको पूर करने के लिए आपको पॉलिटिकल विल नहीं, अपनी नीयत और सिमत को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अफजल के साथ।